Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चाणक्य एक महान विद्वान रह चुके हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई हैं जो हमारी जिंदगी में जीने में बहुत ही काम आती हैं। ऐसे में चाणक्य ने स्त्रियों की उन चार भूख के बारे में भी बताया है जो कभी नहीं मिटती है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहला, ज्यादा बोलने की भूख। स्त्रियों में ज्यादा बोलने की आदत होती है, ऐसे में वो जगह और वक्त भी नहीं देखती। कोई भी इन्हें कहीं भी मिल जाए, ये गप्पे अपने सारे राज तक बता देती हैं, जो शायद इन्हें नहीं बताने होते हैं। बातें करते समय इनका दिमाग इनके काबू में नहीं रहता है, जिस वजह से वो कई बार अपने और दूसरों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देती हैं। दूसरा, सुंदर बने रहने की भूख। सुंदर बने रहने के लिए स्त्रियां बहुत ही बड़ी मशक्कत करती हैं। इसके लिए वो जेवर, कपड़े, मेकअप जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा खुद को सुंदर बनाने में ही निकाल देती हैं। तीसरा, प्यार की भूख। औरत प्यार के लिए ही जानी जाती है। उनके प्यार का दायरा दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। महिलाएं अपने पति से बहुत ही प्यार करती हैं, लेकिन साथ ही महिलाएं जिससे भी प्यार करती हैं वो उनसे भी प्यार की उम्मीद रखती है। चौथा, ईश्वर पर अनावश्यक आस्था। मांगने में महिलाओं का नाम पुरुषों से पहले आता है। इनके अंदर आस्था शक्ति की कामना करती है। इस चक्कर में वो साधु संत और ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाती हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी नैया डुबा देती हैं। इन सब की वजह उनका लालच है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.